नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने कई ऐसे सेलिब्रिटी दी है जो रातों रात चमक गए और इसी चमक धमक में ऐसे लड़ जाते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है दो यूट्यूबर्स में, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दूसरे जो है बिजनेस गुरु। इनकी लड़ाई सोशल मीडिया में चर्चे का विषय बन गई है, एक्स पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं। नाम तो अब आप समझ ही गए होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की। आखिरकार ये लड़ाई कैसे शुरू हुई और कैसे विवेक बिंद्रा पर ये बन आई और उनके खिलाफ हो गई है एफआईआर, तो ये पूरी कहानी को समझिए जरा। दिन 11 दिसंबर, एक वीडियो अपलोड करते हैं संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल पर। वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और उसमें वो दो तीन लड़कों द्वारा बताई गई कहानी बताते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस गुरु अपने बिजनेस कराने के लिए जो कोर्स कराते हैं उसका पैसा लेते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है, और जब पैसा वापस मांगते हैं तो कहते हैं कि ये तो हमारी पॉलिसी में ही नहीं है। जब वीडियो संदीप माहेश्वरी ने 11 दिसंबर को अपलोड किया उसमें कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वही इनके साथ हुआ। इनको बात चुभ गई, लगा जैसे कि मेरे ही बारे में संदीप माहेश्वरी बात कर रहे हैं। सो इन्होंने कम्युनिटी में जाकर के एक पोस्ट डाला प्रिय संदीप करके और डिटेल में लिखा उसके बारे में, और उसका लगन हुआ भी कि यदि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे तो मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। फिर इसका जवाब दिया संदीप माहेश्वरी ने। इस बीच में क्या हुआ था कि विवेक बिंद्रा ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए और साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि लीगल एक्शन लेंगे, और अपने कर्मचारियों को संदीप माहेश्वरी के घर पर भी भेजा। वो जवाब में लिखते हैं संदीप माहेश्वरी कि क्या सोच रहे हो कि मैं इससे डर जाऊंगा, अब मैं लड़ूंगा। फिर 18 दिसंबर को विवेक बिंद्रा अपना वीडियो अपलोड करते हैं, बिगेस्ट कंट्रोवर्सी वगैरह वगैरह हैशटैग लगा करके अटैक ये सब उसमें लिखते हैं, और फिर बात आगे बढ़ चलती है। उन्होंने उसमें संदीप माहेश्वरी से कई सारे सवाल पूछे हैं और फिर उन्होंने अपनी स्टाइल में वीडियो बना डाली। अब बारी फिर से माहेश्वरी की थी। सो उन्होंने 21 तारीख को स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग लगा करके फिर से वीडियो बनाया और फिर भी बात आगे बढ़ चला, और साथ में अब वहां पर वो बोलते हैं कि अब मैं सबसे बड़ी लॉ फर्म हायर करूंगा, जो स्कैम हुआ है युवाओं के साथ उनका मुकदमा लड़ेगी और ये मुकदमा लड़ेगी। फिर से जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। तो इस तरीके से दो यूट्यूबर्स, चूंकि दोनों यूट्यूबर्स हैं, दोनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जो विवेक बिंद्रा हैं वो बिजनेस गुरु हैं, उसमें बड़ा business.com भी चलाते हैं और इधर जो है वो कोर्स भी कराते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उधर संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका कहना यह है कि मैं तो जो है अपना ईमानदारी से काम करता हूं और ये ऐसे ऐसे जो है कोर्स के लिए पैसे लेते हैं, उसमें हो जाती है युवाओं के साथ धोखाधड़ी। खैर, तो आप लबल हुआ भी है कि दो यूट्यूबर्स की ये लड़ाई जो है सड़क पे आ गई, सोशल मीडिया में छाई हुई है, सड़क पे आ गई। अब इसी बीच में एक खबर आती है कि विवेक बिंद्रा की पत्नी ने नोएडा के सेक्टर 126 में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी है, धारा 323, 504, 506 बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मां से अपनी कुछ बहस हो रही थी, इसी में पत्नी ने हस्तक्षेप किया और पत्नी को उन्होंने मार दिया चाटा, पत्नी के कान के पर्दे फट गए। तो आप सोचिए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि हाउ टू डू बिजनेस, और यहां पर वो खुद ही इतने तनाव में आ गए कि घर में ही हो गया है झगड़ा, और घर का झगड़ा आ गया है सड़क पे बाहर, बुरे फंसे हुए हैं। देखते हैं कि झगड़ा कहां जाकर के थमता है। कई बार वैसे सोशल मीडिया में ऐसा भी होता है कि झगड़े जानबूझकर के क्रिएट किए जाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है ताकि चर्चे में रहें, बदनामी भी तो नाम है ना, शायद यही उनका फॉर्मूला हो। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।